एक कवि, नाटककार और कथाकार के रूप में श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी में 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से हैं। उन्हीं की एक विशिष्ट कहानी मधुआ, उसका टेलीफिल्म आप देखने जा रहे हैं। मधुआ श्री जयशंकर प्रसाद की कहानियों में अपना एक ख़ास मुकाम रखती है। अधिकांश कहानियाँ और उनका अधिकांश लेखन ऐसा है जिसमें अतीत के लिए कुछ आग्रह दिखाई देता है, एक विशेष प्रकार की कविता, एक विशेष प्रकार की रूमानियत भी उसमें दिखाई देती है। मगर मधुआ उनकी उन गिनी चुनी कहानियों में से है जिसमें अपने समय के तात्कालिक यथार्थ और उसकी विडम्बनाएँ, उसकी पीड़ा, उसके संकट, उन सबको प्रसाद ने इस कहानी में अंकित किया है। रामखोर जय राम जी की कुंवर साहब, आपने संदेश सा भिजवाया था तो अब फुर्सत मिली है। कोठी पर पिताजी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? अरे ठाकुर साहब कब आए? आज ही आए हैं।
और आते ही तुमको याद किया। मैं अभी जाकर हाजिरी बजाता हूँ। कहानी सुनने का चस्का है। यहाँ लखनऊ में ढूंढने पर यही शराबी मिला। जब भी यहाँ आते हैं इसी को बुलवा भेजते हैं। अपनी लच्छेदार कहानियाँ सुनाकर ये उनका मनोरंजन करता है। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। वो तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर। कई दिन हुए अंधेरे में बोतल उड़ेलने लगा था, कपड़ों पर गिर जाने से नशा भी ना आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। तो आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहूं, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊंगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन करके तुम्हें पीने की सूझी। ये भी सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। आज दिन भर तुमने क्या क्या किया? अच्छा सुनिए, सुबह कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वो भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छुपाए पड़े थे। अच्छा, इस मुंह छुपाने का कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले से नीचे ना उतरी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था। और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी, उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ है सरकार, वो क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेंकता भी रहा, फिर गोमती किनारे चला गया। अच्छा, उस दिन जो तुमने गढ़री वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आसफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया था, क्या वो सच है? अरे वो गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने हनुमान जी के साथ ऐसा ही। और बड़प्पन कहते किसे है, कंगाल तो कंगाल। गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूं, तुमने आज तक जितनी कहानियां सुनाई हैं सब में बड़ी टीस थी। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिन बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही तुम्हें आती, पर ऐसी कोई हंसाने वाली कहानी सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूं। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वो नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंगरलियां, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं, मैं उनकी पीड़ा में रोने लगता हूं। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूं सरकार, नहीं तो ये बुरी बला कौन अपने गले लगाता है। अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है।
वो देखो रुपया वहां पड़ा है, उठा लो। और लल्लू को भेजते जाओ। दो ही लातें तो लगाई हैं, कुछ गोली तो नहीं मार दी? मधवा जा रहे, सो रहे, नखरा ना कर, नहीं तो उठूंगा तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना? तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत। मुझसे रोने से बड़ा बैर है पाजी कहीं का, मुझे भी रोलाने का।
12 आने का देसी अद्धा, 2 आने की चाय और 2 आने की पकौड़ी। नहीं नहीं, आलू मटर। अच्छा ना सही, 4 आने का मांस ले लूंगा। पर ये छोकरा, इसका गढ़ा जो भरना होगा, ये कितना खाएगा और क्या खाएगा? उफ, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार किया ही नहीं। तो क्या ले लूं? पहले एक अद्धा तो ले लूं। नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूस ठूस कर खा ले और फिर रोया कि पीटा। ले सोचा था आज 7 दिन पर भरपेट पीकर सोऊंगा, पर ये छोटा सा रोना पाजी न जाने कहां से आदम का। किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की? आहरी नियति।
होकर मुझे घरवारी बनना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य जिसे कभी मैंने सोचा भी न था। मेरी इतनी माया ममता, जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल बुनने का बेड़ा उठाया है? तब क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे। आंखें तो खोले। रात का बचा हुआ है और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? मधुआ। भला हाथ मुंह में न दूं और खाने लगूं और जाऊंगा कहां? कहां बताऊं इसे कि चला जाए? कह दूं कि बाहर में जा, किंतु आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। ले पाजी, अब यहां लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुम्हें खोजते खोजते मैं थक गया। तुम ही इसे कह रहे हैं, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी शान धरने की कल, नहीं तो उठा के सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी है जिसका मैं 2 रुपया किराया देता हूँ, उसमें क्या मेरा अपना कुछ धरने के लिए नहीं है? ओहो राम जी भाई, तुम हो? अब मैं तो भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। ये अच्छी रही, उसे ही बेचकर कुछ दिन काम चलेगा। ले जाओ, किसी तरह मेरा पेंट छूटे।
हे, क्या करते हो? बहुत दिनों पर आज इस कल को ढो रहा हूँ। तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भर पेट खा चुका हूँ, और वो देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है। भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है? चलो फिर सांग देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा, नहीं तो दो बातें किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। तो बिना कुछ किए घर नहीं चलूंगा। अरे मधुआ, अब तू कहां जाएगा? कहीं नहीं। ये ले लो। तो फिर क्या यहाँ जमा करी है कि मैं तुझे खोद खोद कर मिठाई खिलाता रहूंगा? तब कोई काम करना चाहिए। करेगा? जो कहो। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। ये कल तेरे लिए लाया हूं। चल, तुझे आज से सांग देना सिखाऊंगा। कहाँ? इसका कुछ ठिकाना नहीं। पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? कहीं भी रह सकूंगा। पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा। बैठे बिठाए यह हत्या कहां से लगी? इसकी आंखें जैसे दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही, अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ेगी। दो बोझ हुए, एक गट्ठर का और दूसरा कल का, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा। चलो, भी मेरे बाप कभी के मर गए।